हेलो दोस्तों, आपको ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन से परेशान हो और ऑयली स्किन को ट्रीट करना चाहते हो तो दोस्तों आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एलोवेरा से आप अपनी ऑयली स्किन को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे एलोवेरा को यूज़ करें अपनी ऑयली स्किन के लिए। सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल, मैं हूँ अविनाश। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि अपनी ऑयली स्किन के लिए एलोवेरा को कैसे यूज़ करना चाहिए। और दोस्तों बात करते हैं एलोवेरा और उसके बेनिफिट्स के बारे में। तो दोस्तों एलोवेरा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। दोस्तों एलोवेरा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और उसमें एंटीबैक्टीरियल और हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। दोस्तों एलोवेरा हेयर के लिए बहुत बेनिफिशियल है, जैसे कि हेयर की फ्रिजीनेस को कम करता है, डैंड्रफ कम करने में हेल्प करता है, अपने स्कैल्प का पीएच लेवल मेंटेन करता है और हेयर को स्मूथ एंड शाइनी भी बनाता है। वैसे ही दोस्तों स्किन के बारे में बात करें तो स्किन के लिए भी एलोवेरा बहुत बेनिफिशियल है, जैसे कि दोस्तों एलोवेरा में हीलिंग प्रॉपर्टी होती है जो आपकी स्किन को हील करने में हेल्प करती है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जो आपकी स्किन के पिंपल्स को रिमूव करता है, अपने स्कार्स को कम करता है, स्किन का पीएच लेवल मेंटेन करता है, स्किन को हाइड्रेट रखता है, स्किन को नेचुरल मॉइस्चराइज प्रोवाइड करता है। और दोस्तों ये साइंटिफिक प्रूफ है कि ये ऑयली स्किन को भी ट्रीट करता है। और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि एलोवेरा को अपनी ऑयली स्किन के लिए कैसे यूज़ करें। और दोस्तों एलोवेरा प्लांट एक मैजिकल प्लांट है जिसे यूज़ करने से आपकी स्किन पिंपल फ्री, डर्ट फ्री, ऑयल फ्री और आपकी स्किन सुपर स्मूथ दिखेगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप एलोवेरा जेल एलोवेरा प्लांट से यूज़ कर रहे हो तो आप एलोवेरा लीफ को कट करने के बाद उसे 30-40 मिनट्स रहने दें, जिससे उसमें टॉक्सिन्स और पॉइजन है वो निकल जाए, उसके बाद आप हेयर और फेस के लिए यूज़ करें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि ऑयली स्किन को ट्रीट करने के लिए एलोवेरा को अपनी स्किन पर कैसे यूज़ करें। दोस्तों आप एलोवेरा को सेंटर से कट कर लें। दोस्तों आपको रात को सोने से पहले एलोवेरा जेल को अपने फेस पर और नेक पर लगा लें और उसे मॉर्निंग में अच्छे से वॉश कर लें। और दोस्तों ऑयली स्किन के लिए फेस मास्क बनाने के लिए एलोवेरा के 3-4 टुकड़े को उसके लीफ के साथ ले लें और उसे गर्म पानी में भिगो के रखें और उसके बाद उसे ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लें और उसमें आपको 1 चम्मच हनी ऐड करना है। हनी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जो आपकी स्किन के पिंपल को रिमूव करता है और मॉइस्चराइज भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें और आपके पूरे फेस पर इवनली अप्लाई करना है और उसे आधे घंटे तक छोड़ दें। उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर लें। तीसरा, फेस मास्क बनाने के लिए आपको चाहिए ओट्स। ओट्स में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ओट्स आपकी स्किन के ऑयल को एब्जॉर्ब करेगा। इसे बनाने के लिए आप 2-3 चम्मच ओट्स ले लें और इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करें। एलोवेरा जेल को एलोवेरा प्लांट से कैसे रिमूव करना होता है तो दोस्तों सिंपल है, एलोवेरा लीफ को साइड से और सेंटर से कट कर लें और चम्मच और नाइफ से आप एलोवेरा जेल को निकाल दें और इसे पेस्ट बनाने के लिए आप इसमें पानी ऐड करें और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने फेस पर लगा लें और 30-40 मिनट्स बाद इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लें। दोस्तों एलोवेरा को ऑयली स्किन के लिए ज़रूर एक बार ट्राई करके देखें, आपकी स्किन ऑयल फ्री, पिंपल फ्री, डर्ट फ्री और आपकी स्किन स्मूथ दिखेगी। दोस्तों आपने कभी एलोवेरा जेल को आज तक यूज़ नहीं किया तो यूज़ करने से पहले आप एक बार पैच टेस्ट ज़रूर ले लें। आप क्या करें, उसमें नेक पर लगा लें या अपने हाथ पर लगा के रखें। अगर आपको कोई इरीटेशन खुजली नहीं हो रही तो आप उसे यूज़ करें। तो दोस्तों बात करते हैं इसे यूज़ कब करना है। तो आप वीक में 2 बार या डेली बेसिस पर अल्टरनेट डे पर भी यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में मैंने 3 टिप्स बताई, आप तीनों को फॉलो कर सकते हो। अगर आपको 1 टिप्स को फॉलो करना है तो 1 को भी फॉलो कर सकते हो। और दोस्तों बात करते हैं कि आपके पास एलोवेरा प्लांट नहीं है तो दोस्तों कोई बात नहीं, आप मार्केट से भी एलोवेरा जेल परचेस कर सकते हो या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी एलोवेरा जेल परचेस कर सकते हो। बस इतना याद रखो कि एलोवेरा जेल में कोई हार्मफुल केमिकल ना हो। और दोस्तों एलोवेरा प्लांट को ग्रो करना भी बहुत ईजी है, आप ग्रो कर सकते हो। दोस्तों मुझे खुद को ऑयली स्किन का प्रॉब्लम है सो मैं बहुत सारे होम रेमेडी और इंग्रेडिएंट्स यूज़ करता हूँ जिससे मुझे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, मैं वहीं शेयर करता हूँ। दोस्तों आप ज़रूर एक बार एलोवेरा को अपनी ऑयली स्किन के लिए ट्राई करके देखें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों ऑयली स्किन के लिए ऐसे अलग अलग और वीडियो बनाने वाला हूँ, आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मुझे कमेंट में कोई टॉपिक हो तो आप सजेस्ट भी कर सकते हो। बस दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो बाय।